हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि पार्टनरशिप वाउचर एंट्री कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसमें हम सीखेंगे कि पार्टनरशिप वाउचर एंट्री कैसे क्रिएट करेंगे और जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसे हम कैसे आपस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए और सीखिए कि कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले क्या करना है कि हमें एक लेजर क्रिएट करना होगा। आप पार्टनर जब भी बनाते हो तो पार्टनर्स का दो पार्टनर, तीन पार्टनर, जितने भी आप पार्टनर्स मिलके क्रिएट कर रहे हो तो उनका एक लेजर क्रिएट करना होता है। ठीक है, हम यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले एक लेजर क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे एक लेजर क्रिएट किए मिस्टर रॉय नाम का, जो कि कैपिटल अकाउंट्स के अंदर जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे उनका 1,20,000 का हमने 1,20,000 हमने उनका यहाँ पे लगा दिया पैसा। उसके बाद सेकेंड वाउचर हम क्रिएट करेंगे, कोई और आदमी है उनका नाम ले दिए यहाँ पे मिस्टर शुभम गुप्ता। हमने इनका लेजर बनाया जो कि कैपिटल अकाउंट्स के अंदर है। कंट्रोल ए मारेंगे, क्रिएट हो जाएगा। इनका भी 1,20,000 का हमने कैपिटल लगाया। ठीक है, आप यहाँ से जाके बैक जाके बैलेंस शीट पे बी प्रेस कीजिए, Alt+F1 कीजिए। यहाँ से बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं कि इतना हमने बिजनेस स्टार्ट किया और पार्टनर का जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो कैसे आपस में शेयर करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम एक परचेस करेंगे, उसके बाद सेल करेंगे, उसके बाद हम एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम परचेस करते हैं। हमने F9 बटन प्रेस किया, यहाँ पे इनवॉइस नंबर हमने दे दिया। परचेस का एक लेजर क्रिएट करना होगा जो कि परचेस अकाउंट्स के अंदर जाएगा। कंट्रोल ए, अगर कोई आइटम्स है तो आइटम्स देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। आइटम्स के लिए हमने पहले भी वीडियो बना रखी है। 36,000 का हमने परचेस करा, उसके बाद हम सेल करेंगे। एफेक्ट सेल का एक लेजर क्रिएट करेंगे हम लोग। सेल्स अकाउंट्स के अंदर जाएगा। कंट्रोल ए, यहाँ पे सेल्स 90,000 का हमने सेल यहाँ पे किया। ठीक है, बैलेंस शीट में देखिएगा तो यहाँ पे प्रॉफिट दिखाएगा। इतना प्रॉफिट है, इतना ये दोनों मिलके इतना बिजनेस स्टार्ट किया और यहाँ पे 54,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब क्या है कि जो ये प्रॉफिट जो आया हम इनको कैसे पेमेंट करेंगे। उसके पहले हम इनका सैलरी कैसे पेमेंट करें, मतलब पर मंथ इनको सैलरी मिलना चाहिए, वो कैसे क्रिएट करेंगे। तो हमने परचेस सेल कर लिया। उसके बाद क्या है कि जो हमारा पार्टनर्स है यहाँ पे, जो हमारा पार्टनर है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है कि इसमें ये जो पार्टनर है हमारा, इसमें से ये पैसा को विड्रॉ कर रहा है, पैसा निकाल रहा है। तो वो हम कैसे करेंगे एंट्री, क्योंकि पार्टनर है तो पैसा लगाएगा भी और निकालेगा भी, दोनों काम कर रहा है। और जो पैसा वो निकालेगा वो सैलरी के रूप में इसमें ऐड भी करते जाएगा बाद में। तो वो जो पैसा निकाल रहेगा कैसे विड्रॉ करेगा, इसमें से जो भी सैलरी है वो इनका जो पैसा है उसमें से विड्रॉ करवाना है। तो हमें वो कैसे करवाना होगा, वाउचर एंट्री पे गए। ठीक है, पेमेंट करेंगे हम, जैसे कि यहाँ पे सुमन गुप्ता ने पैसा विड्रॉ करा उसमें से। ठीक है, 5,000 उन्होंने पैसा अपने कैपिटल अकाउंट से निकाल लिया। तो हम यहाँ पे कैश, अब यहाँ पे नरेशन में लिखना है तो लिख देंगे कि सुमन गुप्ता ने 5,000 पैसा निकाल लिया अपने अकाउंट से। तो इनका जो बैलेंस होगा, इनका जो अकाउंट्स होगा, ये कैपिटल अकाउंट्स में पैसा घट गया। क्यों घट गया, क्योंकि इन्होंने अपना 5,000 का पैसा विड्रॉ कर लिया, इसलिए इनका पैसा घट गया। बाद में ये क्या करेंगे, इसमें पैसा पेमेंट भी कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हम क्रिएट कर लेते हैं कि इन्होंने सैलरी अकाउंट्स, इनका हम क्रिएट कर लेंगे कि इन्होंने सैलरी बाय सैलरी इसमें पैसा पेमेंट कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, F7 क्रिएट करेंगे, Alt+C क्रिएट करेंगे, पार्टनर्स सैलरी के नाम से हम एक लेजर बनाएंगे जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। इसमें क्या होगा कि ये जो पार्टनर है ये अपना सैलरी को इसमें पेमेंट करेंगे। 5,000 यहाँ पे करें, कौन था, शुभम गुप्ता। ठीक है, इनका हमने यहाँ पे पेमेंट किया। ये चाहे तो हर महीने अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, हर महीने पैसा सैलरी के रूप में इनको मिलते जाएगा। तो ये देखिए इनका पैसा इंक्रीज हो गया, यहाँ पे बढ़ गया। अब हम देखेंगे पूरा कैसे, इनको हम देखेंगे कैसे, डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, अकाउंट्स बुक में जाएंगे, यहाँ पे लेजर में जाएंगे। हमें देखना है शुभम गुप्ता का, इन्होंने क्या क्या किया। तो ये सबसे पहले क्या किए कि इनका जो पेमेंट है यहाँ पे पैसा विड्रॉ किए थे, फिर बाद में पैसा डिपॉजिट इनका हुआ है 5,000।
जो कि सैलरी इनको मिला है, अब पैसा यहाँ से निकाल के अब ये क्या करेंगे, हर महीने इस तरह से अपना पैसा को विड्रॉ कर सकते हैं, इनको सैलरी हर महीने मिलेगा। तो सैलरी इनको हर महीने देने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इनको हर महीने सैलरी कैसे मिलते रहेगी, तो आपको क्या करना है, अल्ट टू प्रेस करना है यहाँ पे, ठीक है। डुप्लीकेट बनाएंगे हम इसको, अल्ट टू प्रेस करेंगे और इशू को क्या करेंगे, कंट्रोल है, तो ये यहाँ पे देखिए कि इनको फिर से अगले महीने सैलरी मिलती चली गई, और यहाँ पे ये हम निकालेंगे तो ये पैसा यहाँ से विड्रॉ भी होते जाएगा। अगर इन ये चाहते हैं क्या कि हम हर महीने पैसों को विड्रॉ भी करते रहें, तो यहाँ से क्या करेंगे, अल्ट टू प्रेस करेंगे, चाहे यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन है, यहाँ पे कंट्रोल ए मारेंगे, तो यहाँ पे ये मेंटेन होते रहेंगे, ठीक है। तो डुप्लीकेट बनाने के लिए, डुप्लीकेट वाउचर एंट्री करने के लिए आपको अल्ट टू प्रेस करना है, तो आप इस तरह से प्रेस करके चेक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे इन्होंने पैसा विड्रॉ करा और कैसे इन्होंने सैलरी भी रिसीव करी, ठीक है। 5,000 हर महीने सैलरी इनको मिला और हर महीने ये पैसा को रिसीव विड्रॉ भी करते रहे। अब हम बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि दोनों का बराबर बराबर अमाउंट्स है। अब क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस में हम जाते हैं, प्रॉफिट से लॉस में जाते हैं, तो जो मेरा प्रॉफिट है, जो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट है 44,000, ये जो प्रॉफिट है हम चाहते हैं क्या कि ये दोनों को बांट दें, जो प्रॉफिट है मेरा वो क्या करें, दोनों को यहाँ पे बांटें। तो प्रॉफिट बांटने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, हम आपस में इक्वल शेयर करने के लिए F7 प्रेस करेंगे। हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे, जो मेरा प्रॉफिट रहेगा 44,000 यहाँ पे हमने दिया, ठीक है, और हमको दोनों में बांटना है। तो यहाँ पे गए कंट्रोल N के कैलकुलेटर, 44,000 डिवाइड टू 22,000 दोनों को मिलेगा। यहाँ पे हम 22,000 सैलरी दिए, दोनों को हम ये कर रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं, और एक शुभम गुप्ता, हम यहाँ पे दोनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब चलिए बैलेंस शीट में कि क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट दोनों को मिल गया है और यहाँ पे दोनों का ये जो कैपिटल अकाउंट से ये दोनों यहाँ पे बढ़ गया। तो आप इस तरह से पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं उनका, और उनका शेयर सैलरी जो भी यहाँ पे क्रिएट करना है, बनाना है, जो भी देना है, यहाँ से कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा और इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा कि कैसे कैसे हमने पार्टनरशिप बिजनेस को किया।